वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए? हाउ आई क्लीन मैंडरम और मैंडरम क्लीनिंग रूटीन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रियंका। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा अंडरआर्म क्लीनिंग रूटीन प्रोसेस। मैं कुछ दिनों से, कुछ महीने से एक रूटीन प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ अंडरआर्म को क्लीन करने के लिए, और जिससे मुझे काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं वो शेयर कर दूँ। गाइस, मैंने जो लास्ट अंडरआर्म वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपका अंडरआर्म बहुत ज्यादा डार्क है, उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हो, इवन टोन बना सकते, तो उसमें मैंने बेकिंग सोडा यूज किया था। और ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी आज, इसमें मैं बेकिंग सोडा यूज नहीं करूंगी। तो अगर आपको बेकिंग सोडा से प्रॉब्लम है, बेकिंग सोडा यूज करने से अगर आपको रैशेस या फिर एलर्जी हो जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। एंड गाइस, वो वीडियो में आप लोगों ने अंडरआर्म रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना और एक वीडियो अंडरआर्म के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूं। तो इस वीडियो में मैं मेरा जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ अंडरआर्म को क्लीन इवन टोन रखने के लिए, वो मैं शेयर करूंगी। जो जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज कर रही हूँ, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, होम रेमेडीज है। ये वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वेलकम टू माई फैमिली। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ राइट साइड में छोटा सा एक बेल बटन है, उसको हिट कर देना। तो गाइज, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप मत करना, तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर वीडियो को स्किप करोगे। सो या वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सो वी अंडरआर्म क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्क्रब। तो स्क्रब करने के लिए मैं आज लेमन एंड शुगर स्क्रब यूज करूंगी। बहुत जेंटल है, और स्क्रब करने से आपका जो भी डेड स्किन है अंडरआर्म में वो रिमूव हो जाएगा, और जो इनग्रोन हेयर है वो बाहर निकल आएगा। तो उसके बाद अगर आप वैक्स करोगे तो आपका जो भी हेयर है वो रूट से अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एंड देर से आपका हेयर रिग्रोथ होगा। और गाइस, अगर आपको छोटे छोटे बंप्स हो जाते हैं आपके अंडरआर्म में, रैशेस का प्रॉब्लम है, तो आप शुगर स्क्रब यूज करने से ये प्रॉब्लम भी आपका धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है आप एक दिन में ही नोटिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कुछ दिन यूज करने के बाद ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आप नोटिस कर पाओगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रब करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए थोड़ा सा शुगर, मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है और इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, बस इतना सा हनी, इतना सा मैंने हनी लिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये आधा जो लेमन है इसको इसके अंदर स्क्वीज कर देना है, इसको मिक्स कर लीजिए, और इसी से ही हम स्क्रब करेंगे अंडरआर्म में। अंडरआर्म को स्क्रब करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट स्क्रबिंग आई वॉन्ट टू से सॉरी गाइज, आई डिडंट शेव माई अंडरआर्म हेयर, क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करना था और जो भी प्रोसेस है आपके साथ मुझे शेयर करना था, आपके सामने मुझे दिखाना था मैंने इसको कैसे किया। बेसिकली मैं एक अनकट वीडियो शूट करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने मेरा अंडरआर्म हेयर को शेव नहीं किया है। इफ यू फील एम्बेरस्ड, इफ यू फील ऑकवर्ड, गाइज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स। आप मत देखिए ये वीडियो को, बट आई एम सॉरी, आई ऑल्सो फील ऑकवर्ड, बट ये वीडियो शूट करना था इसीलिए मैंने नहीं किया है। सो अभी स्क्रब करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बस आपको थोड़ा सा हाथों में ऐसे लेना है और आपके अंडरआर्म को ऐसे स्क्रब कीजिए, 2 से 3 मिनट आप इसको स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब बहुत जेंटल है, और इसको आप अपने फेस में, आपके लिप्स को स्क्रब करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको स्टोर मत कीजिए, इसको फ्रेश बनाइए, तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शुगर है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और स्क्रब अच्छे से नहीं होता है, मैंने देखा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्क्रब कर लिया है, और इसको स्क्रब करने के बाद आप वॉश कर लेना, मगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं जा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको जस्ट वाइप कर लेती हूँ। और इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है वैक्स। तो मैं बीन वैक्स यूज करूंगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सेकेंड स्टेप। बट जब आप स्क्रब करोगे, स्क्रब करने के तुरंत बाद ही आप वैक्स
ट्राई मत कीजिए, आप एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप दीजिए, उसके बाद आप वैक्स कीजिए। हाफ एन आवर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वैक्स मैं यूज करूंगी आज और कैसे मैं वैक्स करती हूँ। सो हाफ एन आवर के बाद मैं फिर से आपके साथ मिलती हूँ। सो आई एम बैक आफ्टर 30 मिनट्स और अभी सेकेंड स्टेप को फॉलो करूंगी। सेकेंड स्टेप में मैं मेरे अंडरआर्म हेयर को रिमूव करूंगी और अंडरआर्म हेयर रिमूव करने के लिए मैं बीन वैक्स को ऑलरेडी मेल्ट करने के लिए डाल दिया है। बीन वैक्स बहुत इजीली आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, कोई भी अच्छा वाला कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसको कैसे आप यूज कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी मेस। बाय द वे इसको यूज करना बहुत ही आसान है, मगर इसको पहले आपको मेल्ट करना है इसको यूज करने से पहले। तो मेल्ट करने के लिए मेरे पास है ये वैक्स हीटर। अगर आपके पास वैक्स हीटर ना हो इस तरीके का तो आप डबल बॉयलर में भी ये बीन वैक्स को मेल्ट कर सकते हो। मैं बीन वैक्स को ऑलरेडी मेल्ट करने के लिए डाल दिया है और ये मेल्ट भी हो चुका है। आप बीन वैक्स को डायरेक्टली स्किन में अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने देखा है जब भी मैंने ये वैक्स को ट्राई किया है तब इधर उधर गिरते रहते हैं और बहुत मेसी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे एक शीट लेती हूँ, ये वैक्स शीट है और इस तरीके का शीट आपको कोई भी अच्छे वाला कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा। इसको मैंने ऐसे बीच में से कट कर लिया है और मुझे मिला है दो शीट और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ। वैक्स को ऐसे शीट में अप्लाई कर लेना है, आपको थोड़ा जल्दी करना है ये प्रोसेस। इसको आपके अंडरआर्म में ऐसे लगा दीजिए। वैक्स को मैंने स्किन में डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया है, शीट के ऊपर इसको अप्लाई करके फिर शीट को मैंने ऐसे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपको 30 सेकेंड्स के लिए वेट करना है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जब ये हार्ड हो जाएगा तब आपको पुल करना है। अभी मैं इसको पुल कर रही हूँ। अंडरआर्म हेयर को मैंने कैसे रिमूव किया है आपने देखा और ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन है। और जो थर्ड स्टेप है उसमें मैं एक मास्क अप्लाई करूंगी मेरे अंडरआर्म में। ये नेचुरल है, एवरी डे ये मास्क अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके अंडरआर्म बहुत ज्यादा डार्क है, अनइवन है, अगर आपके अंडरआर्म में छोटे छोटे रैशेस बम्स होते हैं, किसी किसी को होता है ये प्रॉब्लम, ये मास्क अप्लाई करने से ये जो प्रॉब्लम है चला जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। और नेचुरल है ये मास्क, तो एवरी डे ये मास्क को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप हफ्ते में मिनिमम 3 दिन ये मास्क को अप्लाई कीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मास्क को कैसे बनाना है। मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगी बेसन, जो कि स्किन को सॉफ्ट बनाने में और डेड स्किन सेल को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैं ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर, और ये जो टर्मरिक पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ ये नॉर्मल टर्मरिक पाउडर नहीं है, ये वाइल्ड टर्मरिक पाउडर है, कस्तूरी हल्दी, जो कि आपके स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इसके बाद मैं ऐड करूंगी हनी। हनी आपको पता है कितना बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, ये आपके अंडरआर्म स्किन को स्मूथ बनाएगा, आपके स्किन में अगर बम्स है, अगर रैशेज है उसको हटाएगा। और उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें मलाई। गाइज ये होममेड मलाई है और इसमें मैं थोड़ा सा ही ऐड करूंगी। एंड लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ टी ट्री ऑयल 2-3 ड्रॉप्स। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मास्क अभी रेडी हो गया है और इसे मैं अभी मेरे अंडरआर्म पे अप्लाई करूंगी। गाइस एज यू कैन सी मास्क मैंने बोथ अंडरआर्म में अप्लाई कर लिया है और अभी वेट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ये मास्क ड्राई हो जाएगा तब तक, और उसके बाद मैं प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लूंगी। ये मास्क को अप्लाई करना है हफ्ते में 3 दिन। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो और जल्दी चाहते हो तो इसको आप एवरी डे अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेल फीमेल बोथ जेंडर के लिए ये प्रोसेस है। अगर आप मेल भी हो तो भी ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो आपके अंडरआर्म को ब्राइट करने के लिए। अभी लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। तो गाइस ये मास्क को आप रात में अगर अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद क्लीन कर लीजिए मास्क को। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर से क्लीन करके जस्ट आपके अंडरआर्म को ड्राई कर लेना है। उसके बाद कोई भी एक अच्छा वाला नाइट क्रीम जो आप यूज करते हो नाइट क्रीम, वो आपके अंडरआर्म में अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, आपके अंडरआर्म
ब्लैक नहीं होगा, अनइवन आपके अंडरआर्म का स्किन टोन है वो इवन हो जाएगा, कोई भी रैशेज या बम्स नहीं होगा आगे से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. इंस्टाग्राम में मुझे प्लीज फॉलो कीजिए अभी तक नहीं किया है तो. और मेरा हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसके साथ साथ स्क्रीन में भी मैंने दे दिया है. सो या दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे. आप बहुत अच्छे रहो, बहुत खुश रहो एंड जरूर इसको ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा है मेरे साथ शेयर करना. एंड थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई लव यू गाइस सो मच. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके. तब तक आप बहुत अच्छे रहो, खुश रहो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.